अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कहाँ पे साइन? ये इसके बाहर आ जाइए। अच्छा एक बार फारूकी भाई, ये बहुत बड़ा प्लांट मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, ये किसकी काविश है, इसके क्या स्टेटस, क्या इसके वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं थोड़ा बताइएगा। अच्छा। और वो बोर्ड कहाँ पर है? अच्छा ठीक है। अकबर फारूकी भाई, हमारे ये इदारा रन करते हैं, एनजीओ है, फलाही इदारा बराए कुनबा अतफाल, CFWO, मतलब चिल्ड्रन एंड फैमिलीज़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्टर्ड है, वेबसाइट है, सारी अकाउंटिंग है माशाल्लाह से। ये इस इलाके में 2000 मैं तो 3-4 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा 2012 से अंदरूनी सिंध काम कर रहे हैं इस एरिया में 3-4 साल से। 3-4 साल से कर रहे हैं, उससे पहले भी एक दो प्रोजेक्ट्स मैंने यहाँ पे किया, लेकिन कंटिन्यूसली हम कंटिन्यूसली अब एक 3-4 साल से कंटिन्यूसली कर रहे हैं। इस प्लांट के बारे में थोड़ा सा मुझे डिस्क्राइब करें, माशाल्लाह बहुत बड़ा सेटअप है ये। जी, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से इशू हुआ हुआ प्लांट है 2011 के अंदर। ये ठीक है, आगे आइए, साथ साथ चलते चलते रहते हैं, चीज़ें देखते रहते हैं। 2014-15 में ये एग्जीक्यूट हो गया था। अच्छा, और दो साल चल के ये बंद हो गया। सही है, गवर्नमेंट सपोर्ट से चलता था। सही है, तो गवर्नमेंट ने इसको जैसे डीजल पावर पे चलता था तो डीजल देना बंद कर दिया। तो ये डीजल जनरेटर अभी हम आगे जाके देख लेते हैं, अगले कमरे में। ये प्लांट है आरओ प्लांट, ये आरओ प्लांट की क्या कैपेसिटी है? ये 75,000 गैलन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है। अच्छा, दिन की जो प्रोडक्टिविटी है 8-10 आवर शिफ्ट के अंदर, ये 35,000 अमेरिकन गैलन ये पानी, साफ पानी जो ड्रिंकेबल होता है, 1000 TDS के आसपास जो यूनाइटेड नेशन की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ये प्रोड्यूस करता है। और यहाँ के पानी का TDS कितना है? 20,000 TDS। 26,500 अभी दोबारा हम इसका लैब टेस्ट करा रहे हैं कराची यूनिवर्सिटी। 26,000 TDS का पानी है यहाँ पे, और मेरे ख्याल में समुद्री पानी जो उसके बराबर ही हो गया, तकरीबन 750 फीट पर पानी है, 750 फीट का बोर है। बोर है और पानी स्टार्ट बोरिंग की इसलिए क्योंकि इसमें पंप्स बहुत बड़े लगे हुए हैं, तो पानी का लेवल तेजी से नीचे ना जाए तो बोर लंबा कराया हुआ है। अच्छा, 280 फुट पे इसमें पंप लगा हुआ है। 280 फीट पे पंप लगा हुआ है। अच्छा अच्छा ठीक है, पानी 130 के ऊपर आया हुआ है तो एक्स्ट्रा 100 तो सभी 750 फीट बोर कराने का फायदा तो नहीं होगा ना, क्योंकि आपने उसको नीचे कर सकते हैं। लेकिन नहीं, उसमें फायदा ये होता है कि ये पता अगर फ्यूचर 20-30 साल में देखा जाए तो अगर किसी वजह से जो एक्वाफर के अंदर पानी जमा होना कम भी हो जाए ना, हाँ, क्योंकि 700 फीट डीप में पानी हमेशा अवेलेबल होगा। अच्छा, वजह यही वजह है। थोड़ा सा चल घूमते फिरते उसको देख भी लेते हैं। इसके साथ जो मसले हैं, सबसे बड़ा मसला था जो डीजल पे रन करना वायबल ही नहीं, ठीक है, जो इतना एक्सपेंसिव डीजल है, इसीलिए आपने ये सारा। फिर हमने क्या किया, ये 6 माह हमने पैसे जमा किए, 6 महीने तक पैसे जमा किया। अच्छा, और ये तकरीबन 3 मिलियन की हमने सोलर प्लेटें लगा। 3 मिलियन का मतलब है 30 लाख रुपए। 30 लाख मतलब कितनी प्लेट्स लगी हुई है एक बार भाई? ये तकरीबन 72-73 लगी हुई है। अच्छा, ये 8 और लगेगी। ये कौन सी 330 वोल्ट 410 की? 410 वाली। हाँ, ये हमने चूज इसलिए की क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा कामयाब है। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट की जो एनवायरनमेंट है और गर्मी है, हाँ, वो थर से बहुत मैच करती है। अच्छा अच्छा, तो ये खास कंपनी वहाँ पे जो है नंबर वन है। अच्छा, जो है तो ब्रांड नेम नहीं लूंगा मैं। हाँ ठीक है। अच्छा, अब क्या है, ले भी लें तो कोई मसला नहीं। तो लेकिन अपना ये 20 इयर्स तक इसकी लाइफ है इस प्लेट। अच्छा, और 10 साल की वारंटी है। तो हमने ये कितना करंट जनरेट होता है इससे? 30 KVA। 30 KVA। 30 KVA KVA। तीन पंप चलते हैं, किलो वोल्ट एम्पेयर है ना। हाँ सही है, ये अपना। अच्छा एक मिनट जरा जनरेटर भी देख लें। ये 60 किलोवाट का ह्यूमंस का जनरेटर लगा हुआ है और ये भी फंक्शनल है। पहले ये चल नहीं रहा था जब सोलर, तो इसका मेंटेनेंस वगैरह करवाया बैटरी लगा के। अच्छा, इसको भी स्टार्ट किया। ये अब हमारा बैकअप पावर होगा, मतलब इसको स्टार्ट करने के लिए बैटरी चाहिए ना। बैटरी लगी हाँ, लेकिन अब क्या है, ये जनरेटर पहले ये प्राइमरी था, अब हमने इसको एज अ बैकअप का स्टेटस दे दिया, क्योंकि जब सूरज नहीं होता, बारिश का मौसम होता, धूप नहीं होती, तो हम जनरेटर को चला सकते। सही। अच्छा ये उन्होंने बताया भी, ये कितने इंच का है ये अपना पाइप? पानी कितने इंच का है? 3 इंच का आ रहा है। 3 इंच का पानी। और इसका जो सबमर्सिबल पंप है कितने हॉर्स पावर का है? ये है 15 हॉर्स पावर का, 15 KVA। सही है, ठीक। टोटल 3 पंप चलते हैं। अच्छा, ये जो है बोर का पंप है। अच्छा, ये जो है इस टैंक के अंदर, ये अपना अनट्रीटेड वाटर है, इसके अंदर पानी पे। ये टैंक के कितने क्यूबिक फुट का होगा टैंक? ये वही 75,000 गैलन पानी आता है। 75,000 गैलन है, लेकिन इसकी डायमेंशन कुछ पता है? डायमेंशन याद नहीं। अच्छा अच्छा, चले खैर है, कोई आपका मैं टेस्ट नहीं ले रहा। अच्छा, लेकिन
भाई मैं आपको ये सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि एक बहुत बड़े स्केल का प्रोजेक्ट है और इसके अंदर अभी इसको रन करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये चार हिस्सों के अंदर प्रोजेक्ट था जिसमें दो हमने जो मुश्किल वाले थे और जो मोस्ट एक्सपेंसिव वो हमने कवर कर लिया। अच्छा, नंबर वन कन्वर्टिंग फ्रॉम जनरेटर टू सोलर पावर, अब इसको फ्री पावर पे ये चलेगा, ठीक है। नंबर दो इसको अपना सारी इसके मेंटेनेंस और ये अपग्रेड नहीं हुआ, इसमें बहुत सारी चीजें डैमेज है या मिस हो रही है, वो 15 नवंबर तक वो हो जाएंगी। अच्छा, उसका हमारे पास फाइनेंस ये आरओ के अंदर, आरओ के अंदर सही। तो 15 नवंबर के बाद ये पानी अपना साफ पानी फेंकना शुरू कर देगा 15 नवंबर के बाद इंशाल्लाह। उसके अंदर कोई हमें आप जरूरत किस चीज़ की इसके अंदर? अभी जरूरत है 3 और 4 की। नंबर 3 है हमें वाटर टैंकर चाहिए। अच्छा, थर का इलाका रेतीली जमीन है तो यहाँ पे एक ट्रक चलते हैं, वो मिलिट्री ऑप्शन के ट्रक होते हैं। अच्छा अच्छा, उसको यहाँ की जगह केकड़ा बोलते हैं। हाँ 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 सही, ठीक है ना। और वो 15,000 लीटर पानी जो है वो गाँव गाँव पहुँचाएगा अराउंड द ईयर। वो कितने का आ रहा है वो ट्रक? वो ट्रक यूज ट्रक आते हैं क्योंकि 1960s के ये होते हैं, सही है, सही सही है, नए इंजन वगैरह सही है। तो ये 27 लाख का ट्रक है। अच्छा, और उसमें 5 लाख का मजीद खर्चा है, उसका खर्चा ये तकरीबन 32 लाख में से कितना रेज हो गया माशाल्लाह से अभी तक? अभी स्टार्ट है क्योंकि हमने ये खत्म किया ना। सही। अच्छा, फोर्थ जो फोर्थ है, पहले फेज में 59 विलेजेस को पानी जाएगा। अच्छा, उसके अगले 6 मंथ में 120 हो जाएगी है। अच्छा, और 1 साल के अंदर 200 विलेजेस को इसी जगह से पानी मिलेगा इंशाल्लाह। कैपेसिटी बहुत, इतनी कैपेसिटी है, इतनी है कि 200 गांव को कवर करे। अच्छा, सिंध के अंदर थर का जो सबसे बड़ा मसला है ड्रिंकिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, मतलब बोर तो जगह जगह लगे हुए हैं लेकिन इतना हाई टीडीएस है कि वो पीने के काबिल नहीं। लेकिन अब किसी को प्यास लगी है, जरूरत है, वो भी वो गंदा पानी के लिए लोग 2-3 किलोमीटर चल के जाते हैं। सही है, तो उनको साफ मिल जाए तो उनके लिए एक तरह से गांव में ये पहुंचा के दे। 35,000 पर विलेज कॉस्ट आ रही है वहाँ पे पानी का टैंक लगाने के, रिजर्वोयर टैंक होगा, नलके लगे। कितने गैलन का टैंक लगा रहे हैं? 500 गैलन के दो, 500 गैलन के दो टैंक लगा रहे हैं। एक ही स्पॉट पे नहीं लगाएंगे, गांव के दो हिस्सों पे लगा। अच्छा, आपका नहीं ख्याल कि इतने बड़े एरिया में टैंकर के जरिए पानी पहुंचाने में लॉजिस्टिक्स मतलब फ्यूल का खर्चा ज्यादा हो जाएगा? और कोई सिस्टम ही नहीं है ये। अच्छा, सबसे अफोर्डेबल है क्योंकि अगर आप थर के अंदर, एक और मसला है कि गाँव बहुत सारे हैं लेकिन दूर दूर है और पॉपुलेशन बहुत कम कम है। हाँ, छोटे छोटे जगह जगह बने हुए। तो आप उससे पाइप, तब एक जब एक ट्रक जब चलेगा, सॉरी मैं आपकी बात काट दी, एक ट्रक जब चलेगा तो चार जगह पानी उतारता हुआ जाएगा मेरे ख्याल। चार में अच्छा, कहीं पे एक टैंक होगा, कहीं पे दो टैंक चले आ जाए। पॉपुलेशन के हिसाब से वो टैंक्स लगेंगे। सही है, हर गांव की एक फिक्स पॉपुलेशन तो होती है। सही है, ठीक है ना। तो अब आप अपने तवज्जो से बिल्कुल, आपने हमें ये टूर करवाया है तो इंशाल्लाह हक बनता है कि हम आपके लिए इसमें हेल्प करें और जो भी फंड रेजिंग वगैरह है उसके अंदर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ये आरओ प्लांट है, ये सोलर पैनल का सेटअप है, पीछे हमने टैंकी देख ली बोर की, पीछे बोर हुआ हुआ है, 750 फीट का बोर है, 3 इंच का पानी है, 15 हॉर्स पावर का पंप है, CFWO की ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको कर रही है। अकबर फारूकी भाई अक्सर अपना टाइम यहाँ गुजारते हैं, मैंने सुना था एक बात आपके बारे में लेकिन मैं इस पे नहीं कर रहा। जी ये हमारा टूर था आज, हमें ख़ास तौर पे भाई हमारे ओकाड़ा से आए हुए हैं और सलीम दुरानी भाई और खुर्रम जुबैरी भाई, हमारे ड्राइवर भाई का नाम है आपका अब्बास भाई, सब के लिए मल्लम यशकुरुन्नास ला यशकुरुल्लाह, जो इंसानों का शुक्रगुजार नहीं होता वो अल्लाह का शुक्रगुजार भी नहीं हो सकता। माशाल्लाह से फैज़ान भाई, अपना शाहरुख कारोबार वाला भाई, अजहर भाई जो कि आरओ प्लांट के टेक्नीशियन है, बहुत एक्सपीरियंस है इनका, आपका भाई नाम इफ्तिखार जिलानी भाई, सादरी खान, वलीद मंसूर, खिजर रियान, जुबैरी, हैदर फारूकी और साकिब, ठीक है। देखें देखें हम ये क्या नाम है, अब इसका मेन प्रोजेक्ट है ना ये है, हम लोग यहाँ पर आए, अच्छा टाइम गुजारा, तो हमने कोशिश करनी है इसको जो है ना फंड रेजिंग में इनकी हेल्प करें। और ये खास तौर पे ये जो कल्प्रेट हैं जो कि जिन्होंने हमारा टाइम जाया किया यहाँ पे लाके, अहमद मंसूर भाई और लोकल्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, ठीक है, फिर आएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जज़ाकअल्लाह।